भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत ने शुक्रवार को कसरावत कृषि उपज मंडी परिसर में किसानों की समस्या को लेकर बैठक आयोजित की, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में किसानों की समस्या को लेकर रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। अपनी समस्याओं को लेकर किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि किसानों के गेहूं पर बोनस दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश का गेहूं उच्च क्वालिटी का है। सन 2017 में हुए किसान आंदोलन में अनेक निर्दोष किसान फंसे हैं, उन पर लगे केस वापस लिए जाए। कर्ज माफी योजना में सभी डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा में खेत को इकाई माना जाए। मनरेगा योजना को सीधे कृषि कार्य से जोड़ा जाए। सभी कार्यों के समर्थन मूल्य निर्धारण किया जाए। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत अध्यक्ष पदाधिकारी सहित किसान उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। भारत का मजदूर किसान, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसानों ने ठाना है लाभकारी मूल्य पाना है। किसानों ने ठाना है लाभकारी मूल्य पाना है। कौन हमारे सुखदाता धरती गंगा गो माता, कौन हमारे सुखदाता धरती गंगा गो माता। किसानों ने ठाना है। आज जो तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया, ये किस विषय को लेकर दिया गया? आज का जो ज्ञापन दिया हमने 15 सितंबर हर वार्षिक 15 सितंबर को देते हैं, उसमें त्वरित किसानों का ये समस्या है कि एक तो लाइट और पानी को लेकर दिया है ज्ञापन। अभी पिछले बार में क्या है, 7 घंटा बिजली कर दिया, तो इसको लेके हमने 10 घंटे के लिए लाइट के लिए ज्ञापन। तो क्या आश्वासन मिला आपको? कि आश्वासन ये मिला है कि 10 घंटे हम करने के लिए जल्दी जल्दी आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो आगे क्या? आगे की मांगे नहीं पूरी होगी तो अगले 25 सितंबर को हमारा एक बड़ा आंदोलन खरगोन में है। क्या नाम लिखते हो? बाबूलाल तिरवले, भारतीय किसान संघ, तहसील कसरावत, जिला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।